आज हम एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। इसे आज हम पनीर से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं अपनी इस रसमलाई को। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। अब पनीर को हमें एकदम डो के फॉर्म में लाना है। इसको हमें चिकना करना है। तो इस तरह से कोई भी आप छोटी ग्रेटर लीजिए, उससे हम इसको कद्दूकस करके अब बस उसको हमें हाथ से अच्छे से चिकना करना है। इस तरह से हाथ से मसलते हुए इसको हमें एकदम डो के फॉर्म में लाना है। इसको हम हल्के हाथ से दबाते हुए इसको हमें मसलेंगे, जिससे यह चिकना हो जाएगा और यह एकदम इकट्ठा हो जाएगा। इसमें कोई भी क्रैक नहीं समझ में आएगा। और इस तरह से देखिए यह सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स। तो इस तरह से छोटा छोटी बॉल्स बनाइए और इसको हाथ से थोड़ी हम चपटा करेंगे। इस तरह से हलवाई रसमलाई बनाते हैं तो बहुत ही जालीदार और बहुत ही स्पंजी रसमलाई बनती है। तो आज मैं घर पर ही आप लोगों को रसमलाई बनाने का तरीका बता रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैंने, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई हैं। जैसे ही हम इनको उबालेंगे तो यह फूल कर डबल हो जाएंगे। तो हम फटाफट से कढ़ाई में दूध डालते हैं। तो यहाँ पर हम आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी दूध ले सकते हैं, पतला डेली वाला या फिर पैकेट वाला। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध को अब हम उबालेंगे क्योंकि अब हम इसकी क्रीमी रस मलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़ी चम्मच भर के चीनी डाली है। तो चीनी को हमें मेल्ट करना है। अब जैसे हलवाई कलर देते हैं रसमलाई को, तो यहाँ पर मैं फ्रूट कलर डाल रही हूँ क्योंकि आज हम घर पर बना रहे हैं हलवाई जैसी रसमलाई। तो यहाँ पर हम फ्रूट कलर का इस्तेमाल करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आएगा। तो यहाँ पर मैंने कलर देने के लिए फ्रूट कलर भी डाला। इसी के साथ मैंने केसर का भी इस्तेमाल किया जिससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और केसर का भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो दूध अच्छे से उबल चुका है, थोड़ी गाढ़ा हो चुका है। दूध को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए किसी बाउल में निकाल देते हैं। तो हम उसी कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी हमें पतली सी चाशनी बनानी है, कोई तार वाली चाशनी नहीं जानी लेनी है हमें। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी डाल दी है। अब पानी में हमें उबाल आने देना है, चीनी को अच्छे से घुल जाने दें इस तरह से चलाते हुए। जैसे ही पानी उबाल आएगा अब हम इसमें अपनी बॉल्स डाल देंगे। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है रसमलाई बनाते समय कि जब हम पानी में उबाल आ जाएगा तभी हमें इस बॉल्स को डालना है। इसी से हमारी जो रसमलाई एकदम जालीदार सॉफ्ट स्पंजी बनती है। तो जब हम इसको जो रबड़ी बनाई उसमें डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी और एकदम हलवाई जैसी जालीदार हमारी रसमलाई बनकर तैयार होती है। तो यह अच्छे से उबल चुकी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको उबालना है 7-8 मिनट के लिए। तो बस इसको हम निकाल कर अपनी ठंडी ठंडी इस रबड़ी में डाल देंगे। इस तरह से रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है। तो बस इसकी प्लेटिंग करते हैं। इस तरह से रसमलाई बनाइए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारी रसमलाई बनकर रेडी हो चुकी है। ऊपर से इस तरह से ड्राई फ्रूट डालिए। अब मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, यह कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से चम्मच लगाते ही ये एकदम से कट जाती है। बहुत ही टेस्टी नरम स्पंजी हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। 100 ग्राम पनीर में ही मैंने सारी रसमलाई को बनाकर तैयार किया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें।